हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएम टी कोर्स। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 14 स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। देखिए कुछ नंबर दिया है, ठीक है ना, ऑफ गोल्स वर रिकॉर्डेड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। ठीक है, एक टीम है, ठीक है ना, जो की 10 मैचेस को यानी 10 मैच खेली है, ठीक है, उसमें जितने भी गोल्स वो स्कोर किए है वो यहाँ पास एक डाटा के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। ठीक है, एक टीम टोटल 10 मैचेस खेली है, ठीक है ना, जितने गोल्स पाई है, ठीक है ना, नंबर ऑफ गोल्स वो यहाँ पास एक डाटा के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, मान लीजिए पहली बार खेली तो 2 गोल्स उसको मिला, ठीक है ना, वैसे खेलते खेलते किसी बार 3 टाइम्स गोल्स मिल गया उसको, ठीक है ना, तो यहाँ पास जो डाटा है वो रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। टोटल देखिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10 है, ठीक है ना, और जो खेलने वाला जो टीम है, ठीक है ना, वो जो भी गोल पाया है, ठीक है ना, वो यहाँ पास एक डाटा के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अब इस डाटा का हमको, ठीक है ना, क्या निकालना है, मीन मीडियन मोड, ठीक है ना, ये जो स्कोर करने वाला जो डाटा है, ठीक है ना, जो भी स्कोर किए है, ठीक है ना, यहाँ पास बोला है ना ऑफ दीज स्कोर, ठीक है ना, जो भी स्कोर किए है, ठीक है ना, उसका मीन मीडियन और मोड निकाला, ठीक है, आइए निकालते हैं। सबसे पहले मीन, मीन निकालने का सबसे आसान तरीका है, जितना भी दिया है नंबर ना, जितना भी डाटा दिया है सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले 2+3+4+5+0+1+3+3+4+3, उसके बाद उसके अपॉन में लिखिए। अब कितने नंबर ऐड किए हैं, जितना नंबर ऐड किए हैं ना उतना अपॉन में लिख दीजिए, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर ऐड किए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मतलब 10 मैच का स्कोर है ना, तो 10 ही होगा, ठीक है, तो अपॉन में 10 कर दीजिए, ठीक है ना, ये आपका मीन निकल जाएगा। ठीक, मीन इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे टोटल तो 28 आएगा, अपॉन में 10 इक्वल टू हो जाएगा 2.8, ठीक है, जो आपका मीन आएगा वो आएगा 2.8, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड नंबर मीडियन, मीडियन निकालना है तो सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर डाटा चाहिए, ठीक है ना, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3, 3, 3, टोटल 4 बार 3 है, ठीक है ना, इसके बाद 4, फिर 5, नहीं 4 दो बार है, यहाँ पास 4 आएगा, ठीक है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, सही है। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, यहाँ पास आप लिख दीजिएगा वी आर अरेंज्ड दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इसको असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद अब यहाँ पास एन यानी नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उसको देखेंगे, तो कितना ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पास देखेंगे n इक्वल टू 10, ठीक, 10 क्या है, इवेन है, तो इवेन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक, इवेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, मीडियन इक्वल टू, आई देखिए मीडियन में दो फॉर्मूला होता है, ऑड के लिए अलग, इवेन के लिए अलग, ठीक है ना, तो इवेन के लिए क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, लिख लीजिएगा अपॉन में 2, ठीक, नहीं दिख रहा होगा तो फॉर्मूला तो आपसे बनता ही होगा, n अपॉन में 2 टर्म प्लस n अपॉन में 2 प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन, ठीक, अपॉन में 2। अब आगे सॉल्व करते हैं, मीडियन इक्वल टू n अपॉन में 2, n कितना है 10, तो 10 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 5, उसके बाद n अपॉन में 2, 5 प्लस 1, 6 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पूरा लिख लीजिएगा, ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2, ठीक, मीडियन इक्वल टू, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 3 है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन भी 3 है, ठीक है ना, यहाँ पास हो जाएगा 3 प्लस 3 अपॉन में 2, मीडियन इक्वल टू 6
अपॉन में दो यानी तीन आ जाएगा, तो हमारा मीडियन आएगा वो तीन आएगा, ठीक, मीडियन इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब मोड निकाल देते हैं, मोड क्या होता है, मोड देखिए कोई भी डाटा का मोड निकालना है ना, तो आप उसमें एक ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जो कि बहुत बार रिपीट हुआ होगा ना, इन सभी नंबर्स में से जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला जो नंबर होगा वही नंबर इस डाटा का मोड बनेगा, ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हैं जो थ्री है वो फोर बार रिपीट हुआ, ठीक है ना, मतलब फोर टाइम्स रिपीट हुआ, ठीक है ना, वन टू थ्री फोर, ठीक है ना, तो जो हमारा थ्री होगा वही मोड हो जाएगा, ठीक है ना, मोड इक्वल टू थ्री, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है सोल्व, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।